नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तेजस, लेके आ गया हूं आपके लिए एक और नया वीडियो जिसमें हम सीखेंगे सराहा के बारे में। कि सराहा की पूरी जानकारी जितनी मुझे पता है मैं आपको बताऊंगा। तो बिना कोई समय गवाए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, सराहा है आपका एक सऊदी अरेबिया का ऐप, जिस सऊदी अरेबिया के डेवलपर ने बनाया था। उसका नाम तो अभी मुझे याद नहीं, कुछ डिफ़िकल्ट सा नाम था, शायद आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँ उसका नाम। क्योंकि सराहा में अगर आपने अपनी आईडी बनाई है तो या तो कोई आपको कॉम्प्लीमेंट देगा या फिर कोई आपको गाली देके जाएगा। मोस्टली लोग गाली ही देते हैं। तो बात अब ये आती है कि आपको मैसेज कैसे मिलेंगे, तब तो आप इसे ब्लॉक कर देंगे। नहीं, सराहा में क्या होता है, सराहा में जब भी आपको कोई कुछ बोलता है तो वो चीज़ एनोनिमसली आपको दिखाई जाती है। नीचे नाम लिख के आता है एनोनिमस, कोई नाम उसका नहीं आ जाता। ये चीज़ किन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, ये चीज़ उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जो लोग अपनी बातों को सामने एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जैसे किसी के सामने थॉट्स रखते हैं तो वो रख नहीं पाते अपने थॉट्स मन में ही छुपा के रखते हैं। उनके लिए ये ऐप बनाया गया था, लेकिन ये इस काम के लिए नहीं बनाया गया था जिस काम के लिए आजकल लोग यूज़ कर रहे हैं, बहुत गलत चीज़ों के लिए। मैं सलाह दूंगा कि अगर आप 18 प्लस हैं तो ये आप इन चीज़ों को यूज़ करें, वरना इसे ना करें। ये मतलब कुछ बैड थिंग्स ही सिखाएंगे आपको। सराहा पे जैसे मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, अगर आप एम्प्लॉई हैं और आपको अपने बॉस की हरकतें पसंद नहीं आ रही हैं, आपने और आपके बॉस ने सराहा पे साइन अप किया हुआ है, तो आप उन्हें जो भी बोलेंगे वो उनको समझ में नहीं आएगा, लेकिन वो उनको दिख जाएगा। और या तो वो आपको ब्लॉक कर देंगे, ब्लॉक करने से आपका कोई नुकसान नहीं होगा, उनका भी कोई नुकसान नहीं होगा, ना उनको कोई फ़ायदा होगा, बस आप उन्हें बाद में मैसेज नहीं भेज पाएंगे। इसके बाद ये बात आती है कि लोग आपको मैसेज कैसे भेजें, क्या जो लोग हैं नहीं हैं सराहा पे वो भी इसे मैसेज भेज सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि आपको बताता हूँ, आपको डालना होगा सोशल मीडिया पे सराहा के बारे में उसकी लिंक, जो आपके है आईडी उसकी लिंक आपको डालनी होगी जो आपको ऐप में मिल जाती है। सराहा की में आप लिंक डाल दिए, जैसे अपने व्हाट्सएप या फेसबुक में आपने लिंक डाल दी है, तो उसके थ्रू ही आप लोगों को आपको लोग मैसेज भेजेंगे। और मैसेज जब भेजेंगे तब आपको दिखाई नहीं देगा कि कौन है, बस मैसेज आया है ये है, ये होता है। टीनेजर्स इसे बहुत यूज़ करते हैं, सराहा ऐप कुछ इस तरह दिखता है। तो इसके 300 मिलियन डाउनलोड्स हो चुके हैं जितना कि हम जानते हैं पूरे वर्ल्ड में। इंडिया में इसके 10 मिलियन से अबव डाउनलोड्स हैं जहाँ जितना मुझे पता है, और पूरे वर्ल्ड में मिला कि 300 प्लस मिलियन डाउनलोड्स हो सकते हैं। तो या तो आपने इसको डाउनलोड किया है, तो या तो आप बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं या फिर समझदार हैं। समझदार है तो ठीक है, लेकिन अगर आप बेवकूफ़ हैं तो मैं सलाह दूंगा कि इसे यूज़ ना करें। वैसे कौन अपने आप को बेवकूफ़ समझता है, सब तो अपने आप को इस आदमी की तरह बिल्कुल ही लायक समझते हैं। तो बिना कोई नौटंकी किए आपको अगर इसे डाउनलोड करना है तो आप कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन की लिंक से डाउनलोड। और अगर आपको इसे डाउनलोड नहीं करना है तो मत करो यार, मैं भी सलाह दूंगा ना मत करो। मैंने तो अभी तक इसे डाउनलोड किया नहीं है और ना कभी करने वाला हूँ, लेकिन 300 प्लस मिलियन डाउनलोड्स है तो इसका मतलब कुछ तो होगा ही। इसलिए चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में लेके मिलूंगा मैं आपसे कुछ और खास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।